आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ठीक है, तो सवाल में दिया गया है कि एक वर्गाकार संरचना में धारा समान रूप से प्रवाहित हो रही है, किस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर शून्य नहीं है, वह हमसे पूछा गया, जिसके लिए आपको ये ए बी सी और ये डी चार तरीके के ये चित्र दिए गए हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसके अंदर जो भी काम आने वाले हैं वो एक तो दाहिने हस्त का नियम, पहला जो हम काम लेंगे वो दाहिने हस्त का नियम है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि अंगूठा जो हो वो धारा की दिशा में, यानी कि अंगूठा जो हो वो धारा की दिशा में रखकर हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, उंगलियां वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगे, है ना बच्चों। तो ये एक तो काम में आएगा। दूसरा, यहां पर हमारे पास में एक समतल तार आएगा, ये एकदम सीधा तार, यहां से इतनी दूरी पर, ये r दूरी पर अगर मैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालता हूं, ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से और यहां से, ये होता है हमारा थीटा वन, ये होता है हमारा थीटा टू, है ना, और इसमें धारा जा रही है मान लीजिए आई, और ये पी बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता निकालते हैं हम लोग, वो कितनी आती है, म्यू नॉट आई बटे 4πr, है ना, और ब्रैकेट में जो आता है वो आता है हमारे पास में साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, है ना, वो कितना आता है हमारे पास में साइन थीटा टू, ये वाला सूत्र होता है। अगर ये थीटा वन थीटा टू बराबर होते तो बात अलग है। चलिए, किस पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर शून्य नहीं होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, पहला वाला ही ले लेते हैं, ए को ले लेते हैं, एक एक करके चेक करते हैं, है ना। पहले वाले में आपको क्या दिया गया है, ये कुछ इस तरीके से दिया गया है ना, ये इस तरीके से, और यहां से ऐसे करके एक इधर से आ रही है यू, है ना, और एक जा रही है तो ऐसे करके जा रही है, है ना। ध्यान से देखा जाए तो यहां से धारा मान लेता हूं मैं कि चार आई की जा रही है, और ये चारों का जो प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध आर, इसका प्रतिरोध आर, इसका प्रतिरोध आर, और इसका भी प्रतिरोध कितना मान लेता हूं, आर मान लेता हूं। तब ध्यान से देखिए बच्चों कि यहां से धारा आ रही है ऐसे, और इसमें से ये चार एम्पियर चार आई की धारा जा रही है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर जो प्रतिरोध हो जाएगा वो आर हो जाएगा, और यहां पर कितना प्रतिरोध हो जाएगा, ये वाला ये वाला ये वाला मिला करके तीन आर हो जाएगा। तो यहां पर जो धारा जाएगी इनमें वो कितने की जाएगी, 3i की, इसमें भी 3i की, इसमें भी 3i की धारा जाएगी, और इसमें किसकी, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, इनमें जो धारा का मान जाएगा है ना, जिधर प्रतिरोध ज्यादा है उधर कम जाएगा, यानी कि इसमें i का जाएगा है ना, इसमें भी i जाएगी और इसमें भी i जाएगी, और इधर की तरफ कितनी जाएगी, इधर की तरफ हो जाएगी 3i। अब ध्यान से देखिए बच्चों कि अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ में बढ़ाऊं है ना, तो ये जो जाएंगे ये कुछ ऐसे है ना, और ये वाला कुछ ऐसे है ना, ये इससे जा रहे हैं है ना, यहां से इसकी जो ये दूरी हो जाएगी भाई, इसकी दूरी पूरी की पूरी हम लोग कितनी मान लेते हैं, a मान लेते हैं, तो ये वाले कितनी हो जाएगी, a बटे 2 हो जाएगी है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालूं, अच्छा एक और चीज, ये वाला जो कोण होगा ये भी 45 डिग्री होगा, और ये वाला जो कोण होगा ये भी 45 डिग्री होगा है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों कि इस अकेले के कारण, मैं तारों के नाम दे देता हूं, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार है ना, तो एक के कारण, पहले के कारण है ना, तार एक के कारण जो ये बिंदु है इस मध्य बिंदु, ये ओ पर चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो बराबर किधर हो जाएगा, भाई धारा इसमें जा रही है इस दिशा में है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, तार एक के कारण जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास में B1 बराबर जो हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट, और इसके अंदर जो जा रही है वो 3i की जा रही है, बटे 4π है ना, और ये कितनी है हमारे पास में a बटे 2 है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास में साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, B1 के कारण जो हमारे पास में ये जो चीज आ गई, अच्छा इसको ऐसा का ऐसा ही रहने दो,
है ना। अब इसके कारण जो तीव्रता की जो दिशा आएगी वो ध्यान से देखिए बच्चों कितनी आ जाएगी, वो किधर की तरफ में आएगी, भाई तार इधर की तरफ में जा रहा है, अंगूठा इधर की तरफ में रखेंगे, उंगलियों को मोड़ेंगे तो इधर किधर आएगी, ये अंदर की तरफ आएगी। अब मैं तार दो तीन और चार के कारण निकालता हूं, है ना, तार दो कोमा तीन कोमा चार के कारण, चार के कारण ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, है ना। ध्यान से देखो बच्चों, यहां से भी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बटे दो, है ना, तो ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, है ना, और इसमें धारा की दिशा इधर है ना, धारा की दिशा किधर है, नीचे की तरफ है ना। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं नीचे की तरफ में ये अंगूठा रख करके और इधर की तरफ में निकालू तो ये बाहर की तरफ आएगी, है ना, इनके कारण जो आएगी वो बाहर की तरफ, इसके भी कारण जो आएगी वो भी बाहर की तरफ, इसके भी कारण जो आएगी वो भी बाहर की तरफ, लेकिन इसके कारण जो आई वो अंदर की तरफ, है ना। तब तार दो के कारण जो बी टू आएगा, है ना, यानी कि बी टू बराबर बी थ्री बराबर बी फोर जो आ जाएगा वो बराबर कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास में म्यू नॉट, और इसमें धारा बह रही है आई बटे चार पाई ए, और यहां पर दो से गुणा कर देंगे और ये आ जाएगी मेरे पास में साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, है ना, और ये किधर की तरफ है, बाहर की तरफ, ये तो केवल एक के कारण आई, है ना। तब हमें ये पता चल रहा है कि जो B1 पर B1 वेक्टर जो होगा वो बराबर जो होगा वो हो जाएगा B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर प्लस B4 वेक्टर, होगा कि नहीं होगा, क्यों, परिमाण बराबर है और दिशा कैसी है, विपरीत है, दिशा कैसी है, दिशा विपरीत है, है ना, यानी कि यहां पर केंद्र पर जो होगा वो क्या होगा, केंद्र पर जो B का मान आएगा वो जीरो आ जाएगा। उसी प्रकार अच्छा इन चारों के कारण, लेकिन जो ये दो तार हैं इन दोनों के तारों के कारण क्या है कि ये जो तार है ये इसके बिल्कुल लाइन पर आ रहा है और ये भी बिल्कुल इसकी लाइन पर आ रहा है, और बेसिकली तो ये वाला चित्र ही गलत है, क्योंकि ध्यान से देखिए बच्चों इसमें धारा की दिशा इधर है इधर है, अगर इधर की तरफ में भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, हम वैसे भी निकाल सकते थे, है ना, हमने इधर की तरफ में निकाल ली थी तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो यहाँ पर ये इसी लाइन पर आ रहे हैं तो इनके इन दोनों तारों के कारण भी, ये ए और बी के कारण भी जो है यहाँ पर तीव्रता कितनी आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। अब इसके कारण निकालते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें धारा इधर जा रही है, इसमें धारा इधर जा रही है ना, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, है ना, यानी कि ये वाला भी यहाँ पर जो बी होगा, है ना, वो ये तो गलत ही होगा। और अगर ये ऐसे भी करके होते हैं ना, ये ऐसे भी करके, तो भी ध्यान से देखो बच्चों, अगर इसमें धारा ऐसे करके जा भी रही होती तो भी इसके कारण, ये दोनों तारों के कारण यहां पर तो क्या होगी, एक ही लाइन पर है, जीरो, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसके अंदर मानता हूं कि दो आई की धारा बह रही है, तो आई इसमें जा रही है, आई इसमें जा रही है, आई इसमें जा रही है और आई इसमें जा रही है, तो ध्यान से देखो इन दोनों आई के कारण, ये वाली और ये वाली आई के कारण जो आएगी वो किधर आएगी, अंदर की तरफ, इसके भी कारण जो आएगी वो अंदर की तरफ, और इसके कारण जो आएगी वो बाहर की तरफ, इसके कारण जो आएगी वो बाहर की तरफ, और सारी की सारी परिमाण में समान, दिशा में विपरीत होंगे, तो ये भी यहां पर भी क्या हो जाएगा, अगर ये इस दिशा में रही तो बी बराबर जीरो हो जाएगा, कहां पर, हमारे सेंटर पर जो है हमारा केंद्र है वहां पर। इसी प्रकार अगर मैं यहां से निकालूं तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से, है ना, ध्यान से देखिए, अगर यहां से मैंने निकाली कितने की, दो आई, तो इधर जाएगी आई और इधर भी जाएगी आई, है ना, तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर भी आई और यहां पर भी आई और यहां से दो आई निकल जाएगी। तब ध्यान से देखिए बच्चों, इसके कारण जो आएगी, है ना, वो किधर आएगी, अंदर की तरफ, इसके कारण जो आएगी, इसके कारण वो भी अंदर की तरफ, और ये दोनों की दोनों जो होंगी, इन दोनों के कारण जो आएगी वो बाहर की तरफ और बाहर की तरफ, परिमाण में समान, दिशा में विपरीत, यानी कि ये तो कट जाएंगी। अब बराबर बात आई कि इसकी, है ना, और इसकी, ध्यान से देखिए बच्चों, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर होगी, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी केंद्र पर, है ना, वो किधर होगी, बाहर की तरफ, और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी हमारी अंदर की तरफ, और ये भी परिमाण में समान, दिशा में विपरीत, यानी कि यहां पर भी केंद्र पर जो आ जाएगी वो जीरो आ जाएगी। लेकिन इसके कारण देखिए बच्चों, अगर मैंने यहां से, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये चार आई की धारा दी, है ना, तो ये फिर से वापस पहले वाले केस की तरह, ये आर, ये आर, ये आर और ये भी आर, है ना। अच्छा भाई, तो इधर कितनी चली जाएगी,
इधर चली जाएगी हमारी 3i की और इधर चली जाएगी हमारी i, i और i, है ना। तो ध्यान से देखिए, परिमाण में समान दिशा में विपरीत होंगे, है ना। तो यहां पर भी जीरो आ रहा है, लेकिन 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 ये वाले जो तार हैं, काले कलर से मैं बनाता हूं, ये वाले तार हैं और ये वाला जो तार है यहां से यहां तक का, यानी कि ए से बी, है ना, और ये सी से डी वाले तार के कारण तो यहां पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। ध्यान से देखिए, इस वाले तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर होगी बच्चों, अंदर की तरफ, है ना। और इस वाले तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी किधर होगी, अंदर की तरफ। यानी कि यहां पर जो है बी जो है कहां पर, केंद्र पर, वो शून्य नहीं होगी, किधर की तरफ होगी, अंदर की तरफ कुछ ना कुछ होगी। तो यानी कि जो हमारा सही जवाब हो जाएगा बच्चों, मैं इन सबको मिटा देता हूं, जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बच्चों सी। सी हमारा इसमें एकदम सही जवाब है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।